आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्येंद्र वास्तु, अ लाइफ चेंजिंग आर्ट। वास्तु को वैज्ञानिक और वैदिक सिद्धांतों के आधार पर समझने के लिए आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं समय समय पे वीडियोस के माध्यम से अपलोड करता हूं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। रंगों के वास्तु का आज हम बहुत ही सटीक विश्लेषण वैज्ञानिक आधार पर करेंगे। कौन सा विज्ञान? वो विज्ञान है रंगों का विज्ञान, जिसको क्रोमैटिक साइंस कहते हैं। एक घर में किन दिशाओं में किन रंगों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, इसको सही तरीके से समझने के लिए दिशाओं की सही जानकारी होना और साथ ही साथ रंगों की सही जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। यही लॉजिकल और एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है किसी भी विषय को समझने का, जानने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का। वीडियो देखने के बाद रंगों से संबंधित जो भी आपकी गलत फहमियाँ हैं, जो भी गलत जानकारियाँ हैं, वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगी और आप अपने घर में अपनी चॉइस का, अपने मन के अनुसार रंगों का खुलकर इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा कि किन दिशाओं में कौन से रंगों को इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए दिशाओं को समझना और रंगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इनको हम जल्दी से समझ लेते हैं। पहले हम दिशाओं की बात करते हैं। किसी भी घर में नौ दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और बीच में ब्रह्म स्थान। ये नौ दिशाएं हैं। घर के 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, जिसमें पूरा ईशान है, नॉर्थ का हाफ पोर्शन है, ईस्ट का हाफ पोर्शन है। हाफ पोर्शन मैंने इसलिए कहा कि नॉर्थ का हाफ पोर्शन नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है और हाफ पोर्शन नॉर्थ वेस्ट की तरफ होता है। ये जो क्षेत्र है, इसका तत्व है जल। आपके घर का 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, जिसमें पूरा अग्नि जोन साउथ ईस्ट होता है, जिसमें हाफ ईस्ट और हाफ साउथ होता है, इसका तत्व है अग्नि। 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, जिसमें साउथ वेस्ट पूरा होता है, साउथ हाफ वेस्ट हाफ, यहां का तत्व है पृथ्वी। और 270 डिग्री से 0 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, जिसमें पूरा नॉर्थ वेस्ट वायव्य जोन होता है और हाफ वेस्ट और हाफ नॉर्थ होता है, इसका तत्व है वायु। और घर का ब्रह्म स्थान, इसका तत्व है आकाश। तो ये दिशाओं के बारे में पूरी जानकारी हुई। अब हम जल्दी से रंगों के बारे में भी पूरी जानकारी ले लेते हैं क्रोमैटिक साइंस के आधार पर। सोलर स्पेक्ट्रम में कुल 7 रंग होते हैं। उन 7 रंगों में से 3 रंग को प्राइमरी कलर्स कहते हैं, वो है रेड, येलो और ब्लू। तो 7 में से 3 रंग ये हुए और जो बाकी के 4 रंग हुए, वो ओरिजिनल रंग नहीं होते हैं, वो इन 3 रंगों से ही मिलकर बनते हैं। जैसे ऑरेंज रेड और येलो से बनकर मिलता है, ग्रीन येलो और ब्लू को मिक्स करके बनता है, इंडिगो ब्लू और रेड को मिक्स करके बनता है, वॉयलेट रेड और ब्लू को मिक्स करके बनता है। तो ये 7 रंग है जिनमें 3 ओरिजिनल कलर्स हैं, रेड, येलो और ब्लू। सफेद रंग की अगर हम बात करें तो सफेद रंग इन 7 रंगों को जब हम मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमें सफेद रंग मिलता है। और ब्लैक कलर, हम ये जो 3 ओरिजिनल कलर्स हैं, रेड, येलो और ब्लू, इनको जब समान अनुपात में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो हमें ब्लैक कलर बनता है। तो ये रंगों के बारे में हुआ क्रोमैटिक साइंस के आधार पर। तो इसी जानकारी को हम इस्तेमाल करेंगे ये जानने के लिए कि कौन से रंगों को किन दिशाओं में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम सफेद रंग की बात करते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा, देखा कि सफेद रंग सभी रंगों का एक मिश्रण है, सभी रंग इसमें समावेशित हैं, उनको मिक्स करके ही व्हाइट रंग हमें मिलता है। इसी तरह से जो घर का ब्रह्म स्थान है, इसमें जो घर की सभी दिशाएं, वहां की एनर्जीज आके समावेशित होती हैं, मिलती हैं। सफेद रंग में सभी रंग मिले, ब्रह्म स्थान में सभी दिशाओं की एनर्जी मिली। तो आप देखिए इनमें कितनी समानता है, आप मेरा लॉजिक समझ रहे हैं। तो इसके अनुसार सफेद रंग
जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान है उसके लिए ये बहुत ही उत्तम है। सफेद रंग अगर आप अपने घर में ब्रह्म स्थान में करते हैं तो ब्रह्म स्थान वास्तु अनुकूल बना रहता है, बैलेंस रहता है। और हम सभी जानते हैं कि ब्रह्म स्थान घर की प्रॉस्पेरिटी, उन्नति, ग्रोथ के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो सफेद रंग ब्रह्म स्थान के लिए सर्वोत्तम है। इसके अलावा चूंकि सभी रंग व्हाइट कलर में मिले होते हैं तो व्हाइट कलर सभी कलर्स का एक फ्रेंडली कलर है और सभी कलर्स में यह फिट हो जाता है। तो इसके आधार पर सफेद रंग को आप घर की किसी भी दिशा में कर सकते हैं, यानी कि व्हाइट और व्हाइट और क्रीम कलर को आप किसी भी दिशा में कर सकते हैं, यह वास्तु अनुकूल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब हम पहले जोन की बात करते हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, जिसका तत्व जल है और जल का रंग नीला ब्लू होता है, तो आप यहां पे ब्लू नीला रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाइट और व्हाइट क्रीम तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं, और कौन से रंग आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ब्लू कलर ग्रीन में है क्योंकि ग्रीन कलर येलो और ब्लू से मिलकर बनता है, तो यहां पे आप ग्रीन कलर भी यूज कर सकते हैं। इंडिगो ब्लू और रेड से बनता है तो इंडिगो कलर भी आप यहां यूज कर सकते हैं। वॉयलेट रेड और ब्लू से बना है तो वॉयलेट भी आप इस क्षेत्र में यूज कर सकते हैं। तो इतने कलर्स आप नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में यूज कर सकते हैं। अगले क्षेत्र की हम बात करते हैं, अग्नि क्षेत्र, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ। अग्नि का रंग लाल और पीला दोनों होता है और इसके अनुसार आप यहां पे लाल और येलो यानी पीला दोनों कलर आप यूज कर सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान ये देना है जब आप लाल कलर को यूज करें कि हमारे जीवन में हमें अग्नि छोटी सी मात्रा में चाहिए। हम पूजा करते हैं, छोटा सा दीपक जलाते हैं, खाना पकाते समय जो गैस जलाते हैं, छोटी माचिस की तिल्ली से हम आग जलाते हैं। तो अगर आप रेड या यूज कर रहे हैं तो एक दीवार पे करिए एज ए हाईलाइटर, और आप पूरी दीवार पे करना चाहते हैं तो लाइट कलर करिए जो रेड के पेस्टल शेड्स हैं। येलो आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा ऑफ व्हाइट, व्हाइट क्रीम आप यूज कर ही सकते हैं, और कौन से आप रंग यूज कर सकते हैं आप, अब हम इस साइंस के माध्यम से समझेंगे। देखिए ऑरेंज में रेड है, येलो है, तो ऑरेंज यहां के लिए बेस्ट सूटेड है, आप ऑरेंज कलर भी यहां यूज कर सकते हैं। ग्रीन में आप देखिए येलो है, ग्रीन कलर भी आप यहां यूज कर सकते हैं। ग्रीन कलर यूज करने के लॉजिक ये है कि लकड़ी से ही आग बनती है और लकड़ी का रंग हरा होता है, तो ग्रीन कलर यहां पे बहुत ही उत्तम है। इसके अलावा वॉयलेट कलर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें रेड पोर्शन होता है, तो वॉयलेट कलर आप यूज कर सकते हैं। इंडिगो में रेड है लेकिन इसमें ब्लू ज्यादा होता है, तो आप इंडिगो को यहां पर यूज ना करें, इसको अवॉइड करें। तो ये कलर्स आप अग्नि क्षेत्र में ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ में यूज कर सकते हैं। अब हम अगले क्षेत्र की बात करते हैं, पृथ्वी तत्व, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, यहां का तत्व पृथ्वी है, तो यहां पर आप बेज कलर यूज करिए, व्हाइट और व्हाइट क्रीम तो आप यूज कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो अर्दी कलर्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं, ब्राउन कलर, भूरा कलर आप यहां यूज कर सकते हैं, तो ये सब कलर आप इस जोन में यूज कर सकते हैं। अब हम अगले जोन की बात करते हैं, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ। यहां का तत्व वायु है, वायु का अपना कोई रंग नहीं होता है लेकिन वायु आग को बढ़ाती है, दोनों फ्रेंडली हैं, तो जो आप रंग अग्नि क्षेत्र में आप इस्तेमाल कर रहे थे वही आप वायु क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रेड, येलो आप यूज कर सकते हैं, ऑरेंज आप यहां यूज कर सकते हैं, यहां पे आप ग्रीन भी यूज कर सकते हैं, यहां पे आप वॉयलेट कलर भी यूज कर सकते हैं। तो इतने ज्यादा रंग आप वायु क्षेत्र, वायव्य कोण, यानी कि वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में यूज कर सकते हैं। ब्रह्म स्थान में हमने देखा व्हाइट कलर बहुत ही उत्तम है, तो दिशाओं के अनुसार ये कलर जो मैंने आपको बताया वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वास्तु अनुकूल है। अब हम बात करते हैं कि अगर घर में बुजुर्गों का बेडरूम है तो बुजुर्गों को देखिए क्या चाहिए, उनको शांति चाहिए, सिंपल होते हैं वो, तो व्हाइट कलर सिंप्लिसिटी का, शांति का और प्योरिटी का प्रतीक है। तो व्हाइट कलर आप बुजुर्गों के बेडरूम में करें तो ये बहुत ही उत्तम है। इसके अलावा अगर बच्चों का बेडरूम है तो बच्चों के बेडरूम में ग्रीन कलर बहुत ही उत्तम है क्योंकि ग्रीन कलर यूथफुलनेस का प्रतीक है। ग्रीन कलर जो स्प्रिंग, वसंत ऋतु है, उसका प्रतीक है, जिसमें सभी जगह फूल खिलते हैं, ये एक न्यू बिगनिंग है। तो ग्रीन कलर बच्चों के रूम में करने से बहुत ही उत्तम है, उनकी एनर्जीज हमेशा हाई रहती है, मोटिवेट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा अगर हम ब्लू कलर की बात करें
तो जिस तरह का भारत में मौसम है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जो नीला रंग है वो शीतलता देता है। अगर हम बेडरूम में करते हैं तो इससे कमरे में शीतलता आती है। इसके अलावा जो नीला रंग है वो मन को शांत करता है और गुस्से को भी काबू करता है। तो अगर और इसके अलावा वो ग्रोथ, उन्नति का भी प्रतीक है। तो बच्चों के बेडरूम में भी आप नीला कलर कर सकते हैं, क्योंकि उनको ग्रोथ चाहिए, उनका मन शांत होना चाहिए और गुस्से पे उनको अगर कंट्रोल है तो ये बहुत ही उत्तम है। उनके आगे के काम जो भी हैं वो सुचारू रूप से चलते रहेंगे। तो ब्लू कलर आपके जो बेडरूम है उसके अलावा जो बच्चों का भी रूम है उसके लिए भी ये बहुत उत्तम है। अगर हम लिविंग एरिया की बात करें तो लिविंग एरिया में अगर आपको सिंपलिसिटी चाहिए, आपको पीस चाहिए, आपको ज़्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए, तो वाइट कलर बहुत ही उत्तम है, क्योंकि ये सिंपलिसिटी का प्रतीक है, ये पीस का प्रतीक है। और अगर आपको लिविंग एरिया में चाहिए कि सब मिलकर बैठें, धमा चौकड़ी करें, खूब एक्टिव रहें, एक्शन में रहे वो पूरा परिवार के सदस्य, तो आप वहाँ पर रेड कलर कर सकते हैं, आप वहाँ पर ऑरेंज कलर कर सकते हैं। अगर हम न्यूली मैरिड कपल के बेडरूम की बात करें तो उनके बेडरूम में रेड कलर बहुत ही उत्तम है, क्योंकि रेड कलर एक पैशन है। रेड कलर बॉडीली वाइटैलिटी, एनर्जी, हीट, डिज़ायर, इन सब का प्रतीक रेड है। और जो सेक्सुअल डिज़ायर्स को सेटिस्फैक्शन रेड कलर के माध्यम से न्यूली मैरिड कपल अगर अपने रूम में करते हैं तो उनके लिए बहुत उत्तम है। अगर हम ऑरेंज कलर की बात करें तो ये भी कामदेव का रंग माना गया है, तो ऑरेंज कलर भी सेक्सुअल डिज़ायर को ध्यान में रखते हुए न्यूली मैरिड कपल बेडरूम के लिए बहुत ही उत्तम है। तो अगर बेडरूम आप अलग अलग लोगों के हैं तो उसमें भी आपको रंगों का ध्यान देना है। अगर आपका संबंध म्यूज़िक इंडस्ट्री से है, आप आर्टिस्ट हैं, तो आप अपने रूम में इंडिगो करवाइए, ये बहुत ही आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और अगर आपका आध्यात्म की तरफ रुझान है तो आध्यात्म वालों को अपने रूम में वॉयलेट कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जो भी आप रंग करें उसमें कोशिश करें कि डार्क कलर्स कम होने चाहिए। डार्क कलर्स अगर हम कमरे में करते हैं तो उससे स्पेस कम होता है, ग्लूमी ज़्यादा वो रूम हो जाता है। तो अगर आपकी चॉइस डार्क कलर की तरफ है तो आप रूम में हाईलाइटर एक वॉल पर करें, पूरी वॉल पर आपको डार्क कलर्स नहीं करना है। तो रंगों का ये जो आज मैंने आपको दिशाओं के अनुसार बताया, बेडरूम के अनुसार बताया, लाइट डार्क कलर शेड के अनुसार बताया, इनका आप ध्यान रखिए तो आप देखेंगे कि रंगों के माध्यम से आपकी दिशाएं भी बैलेंस रहती हैं, वास्तु अनुकूल बनी रहती हैं और आपको बड़े अच्छे इनके रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप दिशाओं के अनुसार जो मैंने जानकारियाँ आपको दी हैं उनका आप ध्यान रखते हैं। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us. To get scientific solutions of vastu problems at nominal fee, register now 96500-45406. To learn Vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online Vastu course. Our WhatsApp number is 96500-45406. अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।